नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी की क्लास में हम लोग आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए एक नया प्रयोग समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के रूप में करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी एग्जाम इस वर्ष में होंगे, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और परीक्षाएं भी अब संचालित की जाएंगी, तो उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समसामयिकी से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको भी हम लोग रेगुलर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर करंट अफेयर में हम देखें तो जनवरी जो 2020 से लेकर के पूरा 2020 का सत्र है, 2020 में बहुत सी कम घटनाएं हुई हैं, इसलिए पूरा ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे, हालांकि वहां पे हर एक महीने की हर एक घटनाओं की चर्चा हम नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्रारंभ में 2020 की प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर 2021 से हर एक महीने की घटनाओं की रेगुलर चर्चा होगी। तो आइए इसी क्रम में शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, ये देखिए, इसलिए भी ये प्रश्न प्रमुख हो जाता है क्योंकि भारत में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है ना, इसलिए स्नो लेपर्ड से जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इस बार के एग्जाम में आपको दिखेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की जो घोषणा की गई वह 2013 में बिश्केक में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक, जिसमें कुल 12 देशों ने भाग लिया था। ये सभी देश एशिया के थे, सेंट्रल एशियाई देश थे, इसमें भारत भी इसमें सम्मिलित था। सभी देशों का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं देशों में ही स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, तो यही देश इस समिट में भाग लिए थे और इसी के तहत डिसाइड किया गया था कि 23 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो अब प्रश्न यही पूछा जाता है कि बिश्केक घोषणा जो 2013 किससे संबंधित है, तो स्नो लेपर्ड के संरक्षण के थे, है ना। ठीक, यह हिम तेंदुआ से संबंधित है। हिम तेंदुए का साइंटिफिक नाम पैंथ्रा अनकिया है, पैंथ्रा अनकिया है। यह क्या है, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। एसएससी वगैरह में वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है कैसा है, पैंथ्रा अनकिया। ठीक, आईसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए जो लिस्ट बनाई जाती है जिसमें कुल 8 श्रेणियों में जीव और जंतुओं को रखा जाता है, जीवों को रखा जाता है, उसमें हिम तेंदुआ वल्नरेबल श्रेणी में आता है, सुभेद्य की श्रेणी में आता है। ठीक, किस श्रेणी में आता है, सुभेद्य की श्रेणी में आता है। साइट्स, साइट क्या है, तो एक कन्वेंशन है, एक सम्मेलन है, किस पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना। ठीक, इसको आप नोट कर लें, साइट्स का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड माने जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो सम्मेलन था, और इसमें क्या किया गया, इसमें परिशिष्ट बनाए गए, शेड्यूल बनाए गए, जो इसके परिशिष्ट वन में जो जीव सम्मिलित हो जाता है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। यानी उस जीव जंतु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये है कि उस जीव जंतु से निर्मित कोई प्रोडक्ट यदि है, जैसे आप देखिए चमड़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो यदि उन जीवों के चमड़ों से बनी हुई हैं तो साइट्स के तहत क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा, आप उस व्यापार को नहीं कर सकते। तो यह साइट्स की परिशिष्ट वन में सम्मिलित है, है ना, कुल मिलाकर के इसको मारा नहीं जा सकता, यह बात ये बतलाता है। इसके अलावा भारत में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, है ना, ये लागू हुआ था और उसी के तहत जो है हिम तेंदुए के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, अन्य बहुत सारे जीवों का शिकार प्रतिबंधित है, क्योंकि हम हिम तेंदुआ पढ़ रहे हैं इसलिए इसको आप जानिए। और आपसे प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो यह 1972 में, है ना, और ये लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, अभी भी पूछा जाता है। ठीक, तो एक जो अभी आपका एग्जाम होना है पेट, है ना, इसके लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, तो आप इसको भी, है ना, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है, ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। आइए इसमें आगे देखते हैं,
हाँ, अभी जो मैंने शुरू शुरू में चर्चा की थी कि हिम तेंदुआ अचानक से इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, तो भारत में जो है एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, जो देश का पहला हिम संरक्षण केंद्र है, इसको आप जरूर नोट करें, है ना। देश का प्रथम यानी भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। सबसे पहला प्रश्न कि यह स्थापित कहाँ किया गया, तो यह उत्तराखंड में किया गया। किस स्टेट में किया गया है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, है ना। तो इसकी जो जनपद है उत्तराखंड, हालांकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसको एस्टेब्लिश कहाँ गया? उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, ठीक। और कई बार ज्योग्राफिकल जगह पूछ लेता है, तो उत्तरकाशी में एक जगह है, एक वैली है, भैरोलंका घाटी, ठीक। तो किसी प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली कि आपसे ये स्टेट पूछेगा, और जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये भैरोलंका घाटी कहाँ अवस्थित, यही पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद भैरोलंका घाटी में स्थापित किया गया, ठीक। जिस वजह से हिम तेंदुआ क्या है, इम्पोर्टेंट हो गया, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जिन जीवों को हमें संरक्षित करना होता है, उनकी संख्याएं अगर घट रही होती, उन्हें बढ़ाना होता है, तो उसके लिए हम क्या अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं। जैसे आप देखिए, आपके देश में प्रोजेक्ट टाइगर चला 1973 से, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट चला 1992 में, उसी तरीके से सन 2009 से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड प्रारंभ किया गया। और ये पूरे देश में नहीं प्रारंभ किया गया, ये स्नो लेपर्ड जो है हिम तेंदुआ, वह सिर्फ वहाँ पाया जाता है जहाँ पर क्या है, ऐसे पहाड़ है जहाँ पर हिम यानी कि स्नो रहता है, वहीं हिम तेंदुआ मिलेगा, ठंडे स्थानों पर ही रहता है। तो जो हिमालयी राज्य हैं, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, है ना, ठीक। तो इन 5 स्टेटों में अगर आप देखेंगे आप, तो जम्मू कश्मीर साथ आप लद्दाख को भी जोड़ लेंगे, ठीक, जो यूटी के रूप में है। तो इन्हीं राज्यों में ही मात्र प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया, ठीक, जिसके तहत इन जीवों की संरचना इन जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हिम तेंदुआ को हम लोग जो है घोस्ट ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, है ना, घोस्ट ऑफ माउंटेन्स, ठीक। हिम तेंदुआ को घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। घोस्ट माने भूत होता है ना, तो पहाड़ों का भूत है, है ना। एक तो इसका देखिए, एक तो तेंदुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि शिकारी जानवर है ना, अन्य जीवों का, मानवों का भी शिकार करता है, ठीक। एक इसका कलर एकदम बिल्कुल वाइट होता है, तो बर्फीले क्षेत्रों में इसकी पहचान नहीं हो पाती है ना, अचानक से कहीं से भी आ सकता है, ठीक। तो इसलिए इसको क्या है, घोस्ट ऑफ माउंटेन बोला जाता है। इतनी चर्चा मुझे लगता है करने के बाद आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बार पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाइएगा जरूर, है ना। नोट करके अगर आप वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, तो सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं, साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन बना रहेगा और करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक। इसके बाद जब एग्जाम में, अब ये आपको रटेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ऑप्शन देख कर सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। 23 अक्टूबर का डेट याद रखिएगा। आइए सेकेंड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा गया है कि चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क में एक पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत दक्षिण अफ्रीका से 3 चीते, है ना, ठीक, 3 चीतों को भारत लाया गया, जिसमें से एक आपका नर था और 2 मादा, मतलब 1 मेल और 2 फीमेल, ये पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत लाया गया, मतलब पशुओं का विनिमय माने लेन देन, है ना, ठीक। तो पशुओं का लेन देन कार्यक्रम के तहत कहाँ से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से। अब बात करें चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क ये अवस्थित कहाँ है, देखिए इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, ऐसा नहीं कि जो लिखा है सिर्फ वहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पेपर हम आप नहीं बनाते, पेपर जो बनाते हैं वो क्या पूछेंगे ये पहले से डिसाइडेड नहीं हो सकता, हाँ उसके आसपास ही प्रश्न रहेगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हिम तेंदुआ का हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क की, तो ये कर्नाटक के मैसूर में अवस्थित है। पहली बात कि अवस्थित कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर में ये अवस्थित है ना, ठीक। इसको 1882 ईस्वी में ही इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक, वहाँ पे राजा थे चमराजेंद्र, उन्हीं के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पे, सॉरी, इसका नाम पड़ा, और
1882 ईस्वी में इस जूलॉजिकल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पर तीन चीज़ों को लाया गया है, ठीक। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है, इसके पहले हैदराबाद में भी लाया गया था, है ना। पहले टाइम कहाँ लाया गया था, हैदराबाद में, हाँ, पिछले साल कर्नाटक के मैसूर में लाया गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चमराजन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक के मैसूर में। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से तीन चीतों को लाया गया, जिसमें कि एक क्या था आपका नर था और दो मादा थे, क्लियर। आगे चलते हैं तीसरे फैक्ट की ओर। तीसरा फैक्ट यहाँ पर लिखा है कि मौसम की पूर्व जानकारी के लिए, मतलब जो मौसम हमारे यहाँ वर्षा है, आर्द्रता है, तेज हवाएँ हैं, है ना, तो जो चलती हैं, जो आंधी तूफान वगैरह या मौसम में जो भी परिवर्तन है, इसकी अगर जानकारी हमें पहले से हो जाए तो हम उसके हिसाब से, है ना, अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देखिए भाई, हमारे यहाँ अगर अचानक से मौसम ख़राब हो तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा छत पर फैला हुआ गेहूँ भीग जाएगा, कपड़ा भीग जाएगा। लेकिन जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर अगर हम बात करें, जहाँ पर मछुआरे वगैरह समुद्रों में मछली पकड़ने के लिए गए होते हैं, अगर वहाँ पर पहले मौसम की जानकारी न दी जाए तो समुद्र में उठने वाले तेज़ तूफान या हवा या फिर अचानक से हुई वर्षा उनके जान को मुसीबत में डाल देते हैं, है ना, जिससे जान माल की बहुत हानि होती है। अभी आप देखिए, दो चक्रवात आपके आए हुए थे, है ना, यास और ताऊ के, तो इसके बारे में अगर पहले से सूचना मिल जाती है तो लोग क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो इसी के लिए मौसम की पूर्व जानकारी के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया गया। ऐप का भी नाम क्या है, मौसम ऐप ही है, ठीक। और इसे लॉन्च किसने किया, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय है, इसने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, मौसम ऐप, जो क्या करता है, मौसम की पूर्व जानकारी देता है। और कितने दिन का पूर्वानुमान देता है, सात दिन का पूर्वानुमान देने की इसकी क्षमता है, मतलब सात दिन बाद का मौसम कैसा रहेगा यह आज बता देगा, ठीक। तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लेंगे, है ना। और इसके तहत देखिए क्या क्या डिसाइड किया जाता है, वायु की दिशा, ठीक है ना, जो वायु फ्लो करती है वो किधर से किधर बहेगी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, है ना, वायु में जल की मात्रा, वर्षा, अगर हम इसे ढंग से देखें तो वर्षण कहा जाता है, ठीक, तो वर्षण। और इसके बाद भूकंप की भी जानकारी देता है, और भूकंप आए तो भूस्खलन, है ना, जो ऊपर होता है भूस्खलन, तो इन पांच चीज़ों के बारे में यह जानकारी देता है, ठीक। मौसम ऐप अलग अलग कलर से चीज़ों को संबोधित करता है, यहाँ तीन कलर का ये यूज करता है इंडिकेशन के लिए, एक लाल, दूसरा नारंगी और तीसरा पीला। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आप मंत्रालय याद रखेंगे, सात दिन पूर्वानुमान की जानकारी देता है, मौसम ऐप मौसम की पूर्व जानकारी के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर, अच्छा वीडियो को आप देखते रहिए, थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे क्योंकि अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करना रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, है ना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो अभी पहला लेक्चर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको सुधार किया जाएगा, क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, है ना। देखते हैं आगे, चौथा देखिए लिखा हुआ है, सैटेलाइट डेटा की सहायता से, है ना, जो सैटेलाइट हैं हमारे वहाँ से जो हमें आंकड़े वगैरह प्राप्त होते हैं, तो उस डेटा की सहायता से किसानों को डेप्ट दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ठीक। सैटेलाइट डेटा की सहायता से किसानों को ऋण दिया जाएगा, और ऐसा पहल करने वाला कि इस डेटा के आधार पर हम ऋण देंगे, ठीक, सैटेलाइट डेटा के, यानी जो सैटेलाइट इमेज होते हैं उसके आधार पर हम किसानों को डेप्ट देंगे, ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है, ICICI बैंक, है ना, ठीक, ICICI बैंक है, है ना, यह जो है सैटेलाइट डेटा के आधार पर किसानों को ऋण प्रदान करेगा, भारत का ऐसा करने वाला प्रथम बैंक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। पांचवा फैक्ट यहाँ पर है कि कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक, CIL, इसने डिसाइड किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है, आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वित्त वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, है ना। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 2023-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, है ना, के समयकाल में यह क्या करेगा, कोयला उत्पादन का लक्ष्य इन्होंने अपना डिसाइड किया कि हम 1 अरब टन कोयला का उत्पादन करेंगे, है ना, खूब प्रदूषण फैलाएंगे, यही कहना चाह रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ आपको ये लक्ष्य याद रखना है, ठीक, 1 अरब टन का उत्पादन करेंगे, इन्होंने अपना
क्या है, पहले से ही गोल डिसाइड कर रखा है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये पांच फैक्ट आपके सामने रहे। आइए नेक्स्ट सिक्स फैक्ट की तरफ देखते हैं। वर्ष 2020 में मेघालय राज्य ने ग्रामीण रोजगार परिषद, ठीक, पहली बात ग्रामीण रोजगार परिषद क्या होता है इसको भी हम बताते हैं आपको। तो ग्रामीण रोजगार परिषद जो मनरेगा के कार्य होते हैं इनको संचालित करने के लिए एक संस्था है। मनरेगा के कार्यों को, मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी है ना, जो नेशनल रोजगार योजना थी, मतलब राष्ट्रीय रोजगार योजना थी, रोजगार गारंटी योजना जो थी जिसका नाम पहले नरेगा था वही है मनरेगा। तो मनरेगा के कार्यों को संचालित करने के लिए एक संस्था जो है उसका नाम क्या है, या करने वाली संस्था, ग्रामीण रोजगार परिषद। ठीक है, इस परिषद ने महिलाओं के लिए सीटों के 50% आरक्षण नीति को मंजूरी दी, और ऐसा करने वाला मेघालय राज्य है ना। किस राज्य ने ऐसी मंजूरी दी, तो मेघालय राज्य ने वर्ष 2020 में ग्रामीण रोजगार परिषद ने महिलाओं के लिए, है ना, महिला सशक्तिकरण का जो खेत चल रहा है भारत में, इसी के तहत 50% आरक्षण नीति को मंजूरी दी गई। मतलब ग्रामीण रोजगार परिषद में अब जितने भी सदस्य होंगे उसमें 50% कौन होगा, महिलाएं होंगी, है ना, ये कंपलसरी है, रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक, एक सुरंग बना नेचिपू सुरंग। ठीक, ये आपसे पूछा जाता है, पहली बात की बना कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और अभी काम शुरू हुआ है, बन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक, किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, है ना। तो नेचिपू सुरंग की आधारशिला कहाँ रखी गई, अरुणाचल प्रदेश में। 450 मीटर लंबा यह सुरंग है, जमीन के नीचे का जो रास्ता है उसको सुरंग कहते हैं। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास जो है किसने की, आधारशिला किसने रखी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो अभी इस समय भारत के हैं उनके द्वारा रखी गई। ठीक, इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, और जैसा कि उत्तर प्रदेश का हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, लोकसभा और विधानसभा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट में यहाँ राज्यसभा लिख देगा और आप जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। ठीक, क्या है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मतदान खर्च सीमा में वृद्धि की गई। ठीक, 2020 में मतदान, मतलब जो उम्मीदवार लड़ते हैं तो उनको अपना प्रचार करने के लिए, बैनर पोस्टर लगवाने के लिए, यहाँ वहाँ आने जाने के लिए खर्च करने की निर्वाचन आयोग एक अनुमति देता है ना, कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैसा खर्च होने पर आप उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक, तो दो ही चुनाव में पैसा खूब खर्च होता है, लोकसभा और विधानसभा में, यानी कि सांसदी का जो चुनाव होता है उसमें, अब विधायकी का चुनाव जिसे आप कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के मेंबर को भी सांसद कहते हैं और जिन राज्यों में विधान परिषद उनके मेंबर को भी हम लोग विधायकी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा विधानसभा की बात हो रही है। तो इनके उम्मीदवारों के मतदान खर्च सीमा, मतलब चुनाव में आपकी जो खर्च सीमा थी महंगाई को देखते हुए उसको क्या कर दिया गया, 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक, बड़े राज्यों की अलग है, छोटे राज्यों की अलग, अच्छा 10% सबके लिए है। ठीक, लेकिन जो पहले, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, पहले 2014 में वृद्धि की गई थी, है ना, और अब 2020 में वृद्धि की गई है। ठीक, तो पहले वृद्धि कब की गई थी, वर्ष 2014 में, अब 6 साल बाद पुनः इसमें वृद्धि कर दी गई। 2014 में बड़े राज्यों की लोकसभा के लिए 70 लाख रुपये निर्धारित किया गया था, जो बढ़ करके अब कितना हो गया, 77 लाख हो गया। ठीक, 10% बढ़ गया, है ना, और विधानसभा, बीएस मतलब विधानसभा है, ये 28 लाख से बढ़ करके 30,80,000 हो गया बड़े राज्यों के लिए। छोटे राज्यों में पहले कितना था, लोकसभा में 54 लाख खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकसभा यानी जो संसदीय क्षेत्र होता है वो विधानसभा क्षेत्र से बड़ा होता है, एक संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे है, मतलब बहुत सारे क्या, 2-3-4 है ना विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट है और विधानसभा के लिए क्या है, कम है। तो जो छोटे राज्य है, जैसे छोटे राज्य में आपका गोवा आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, पंजाब आ गया, है ना। ठीक, और इसके अलावा आप देख लीजिए, मेघालय आ गया, मणिपुर आ गया, त्रिपुरा आ गया, नागालैंड आ गया, ये छोटे छोटे स्टेट में, बड़े स्टेट में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना। तो इस हिसाब से छोटे बड़े राज्यों का कैटेगराइजेशन किया गया है। छोटे राज्यों में लोकसभा के लिए 54 लाख पहले था, अब इसको बढ़ाकर 10% कितना हो जाएगा, तो 5,40,000 बढ़ जाएगा, तो 59,40,000 हो गया। इसी तरह से विधानसभा के लिए 20 लाख था, बढ़ करके 10% 22 लाख हो गया, है ना। तो ये अमाउंट भी याद रखेंगे, है ना। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आपका, देश की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई केरल के अंगमाली में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वर्ष एग्जाम में आपको ये दिखेगा
कि देश की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ठीक, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, केरल के अंगमाली में। इसके पहले देखिए केरल संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता था, द जेंडर पार्क, ठीक, ये 2013 में स्थापित किया गया था केरल में, और कई बार एग्जामों में करीब 10 से अधिक बार पूछा जा चुका है अब तक, है ना, ठीक। तो अब लेकिन क्या हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो देश का प्रथम है, यह भी कहा है केरल के अंगमाली में स्थापित किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। वर्ष 2020 में फैक्चुअल क्वेश्चन है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, है ना, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, ठीक, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इस प्रकार देखिए इस 20 से 25 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने आपके सामने, सॉरी, हमने आपके सामने 10 फैक्ट रखे और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को हमने बताया। इसका प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा, सेकेंड पार्ट में जब हम मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन को आपको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कई टुकड़ों में 2020 की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करेंगे, और फिर हम लोग जनवरी 2021 से एक एक महीने का एक एक घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। थैंक यू।